खेलकूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्र भोजपुर के बैनर तले प्रखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन खेल मैदान लक्ष्मणपुर में किया गया, जहां काफी संख्या में खिलाड़ी पहुंचे व पहुंचे। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित प्रखंड स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता एकता युवा क्लब लक्ष्मणपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह प्रतियोगिता 25 दिसंबर से चल रही थी, जो आज खत्म हुआ, जिसमें वॉलीबॉल का फाइनल मुकाबला आदर्श युवा क्लब बाबू बाजार आरा ने अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में एकता युवा क्लब के अध्यक्ष रमेश पांडे और क्लब के वरीय सदस्य शैलेश सिंह, सोनू सिंह, आकाश, प्रिंस, विकास, संतोष, मुन्ना, मुकेश, प्रीतम, आशु, कृष्णा, टाइगर, कुंदन, काफी मात्रा में ग्रामीण सदस्य भी शामिल रहे। नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की भारत स्वायत्त शासित संगठन है और ये लगातार युवाओं के मार्गदर्शन करते रहती है, खास करके ग्रामीण गैर छात्र युवाओं को संगठित कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के कार्य करती है। इसके तहत खेल कार्यक्रम, व्यवसायिक प्रशिक्षण, अन्य कार्यक्रम किए जाते हैं, जो कि सभी जहाँ तक सरकारी योजनाओं का संचालन नहीं जा पाता है, वहाँ तक हम युवाओं के माध्यम से पहुँचाते हैं और इससे अधिक से अधिक लाभ हमारे युवाओं को होता है। और खेल एक ऐसा चीज़ है जो आदमी को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती है और एक प्रगतिशील देश में को अग्रसारित करने के लिए नेहरू युवा केंद्र एक पूर्ण रूपेण अहम भूमिका निभाती रहती है। और मैं सरिता शर्मा, लेखापाल, नेहरू युवा केंद्र, भोजपुर। नेहरू युवा केंद्र द्वारा ये प्रखंड स्तरीय टूर्नामेंट कराने का, खेलकूद प्रतियोगिता कराने का हम लोगों को एकता युवा क्लब को दिया गया था, जिसको हम लोग सफलतापूर्वक पिछले दो दिनों से करा रहे हैं। 25 तारीख को हम लोग कबड्डी का ये आयोजन कराए थे, जिसमें एकता युवा क्लब लक्ष्मणपुर ने गंगहर सम्राट युवा क्लब गंगहर को हराई की फाइनल के खिताब जीता था, जिसका आज प्राइज वितरण समारोह है। कल फुटबॉल का मैच स्टार युवा क्लब जमीरा ने अपने नाम किया और कल हाई जंप, लॉन्ग जंप और 100 मीटर और 200 मीटर का जो रनिंग था, तो उसमें कुछ लड़के गंगहर के हैं और कुछ अलीपुर के लड़कों ने अपने प्राइस पे हक जमाया है। और आज वॉलीबॉल का मैच हो रहा है, जिसमें अभी फाइनल मैच चल रहा है, अब रिजल्ट आना बाकी है कौन सा टीम जीत। कहाँ कहाँ से खिलाड़ी इसमें सम्मिलित हुए हैं? इसमें तकरीबन आरा प्रखंड के 6 या 7 क्लब से लड़के आए हुए हैं, मझौआ, बिलौटी, बरौली, मझौआ, गंगहर, घोड़ादेई, बरौली, फिर से जमीरा, तो बहुत सारी टीम आई हुई यहाँ पे। परिचय बता दीजिए अपना। रमेश कुमार पांडे, एकता क्लब। युवा क्लब द्वारा जो खेल प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है, ये कितना फायदेमंद होता है खिलाड़ियों को, क्योंकि कई मौका नहीं मिलता, वो मौका देते हैं इसमें?
नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार का जो उपक्रम चल रहा है समय खेल खास करके खेल का जो माध्यम है नेहरू युवा केंद्र बहुत ही अच्छा है कि स्टेज हमारे को दे रही है युवा पीढ़ी को। खास करके जो भोजपुर में नेहरू युवा केंद्र के पिछले दिसंबर फर्स्ट वीक से शुरुआत में जो प्रखंड स्तरीय खेलकूद जो हो रहा है उसमें बहुत ही अहम भूमिका है। इस खेल से हमें जिला स्तर पर भी आयोजन होगा नेहरू युवा केंद्र द्वारा और वहाँ से लड़के अच्छे प्रतिभागी निकलेंगे तो नेशनल के लिए भी जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक प्रतीक हम लोग को नेहरू युवा केंद्र से मिला हुआ है। मैं शैलेश कुमार, एकता युवा क्लब एडवाइजर।